वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैप्टन पी कुमार आज मैं जो बात करूंगा मैक्सिमम लोग जो जानना चाहते हैं लाइक व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट टू बिकम अ पायलट सो गाइस मैं धीरे धीरे बताऊंगा लाइक क्लास टू मेडिकल से शुरू करेंगे फिर ग्राउंड क्लासेस क्लास वन मेडिकल आप एक साथ भी करा सकते हो फिर आपकी फ़्लाइंग फिर आपकी टाइप रेटिंग फिर एयरलाइन प्रिपरेशन अप्रोक्सीमेटली एंड ओवरऑल कॉस्ट के बारे में बताऊंगा। सो क्लास टू मेडिकल आप जो है नंबर वन मैंने बता दिया है कि कब आप करा सकते हो अगर आपको नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिए अब क्लास टू मेडिकल कराने के लिए आपका जो अप्रॉक्सीमेट खर्चा आता है वो पाँच से आठ आता है फिर बात आती है कि आप क्लास वन उसके बाद करा सकते हो जैसे ही आपके पास असेसमेंट आ गया है एट द सेम टाइम आप अपनी ग्राउंड क्लासेस शुरू कर सकते हो तो वो चार से छः महीने की रहती है तो उसकी जो कॉस्टिंग रहती है आपकी दो से साढ़े तीन लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली अलग अलग एकेडमी के अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं फिर बात आती है कि क्लास वन मेडिकल इज यू नो हाईली रिकमेंडेड बिफोर स्टार्टिंग योर फ्लाइंग क्लास वन मेडिकल आपका ए एफ सी एम ई में होता है और मुंबई में एक हॉस्पिटल में होता है नानावती में तो आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो पांच से पंद्रह हजार आ जाता है फिर हम बात करते हैं कि फ्लाइंग की क्या कॉस्ट आती है तो उसमें भी आपके फ्लाइंग क्लब टू फ्लाइंग क्लब काफी सारे चार्जेस वेरी कर जाते हैं तो उसमें क्या करना है आपको तो एवरेज कॉस्ट फॉर योर 200 हंड्रेड ऑफ फ्लाइंग 35 से चालीस लाख रुपए आप मान के चल सकते हो कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है एस पर क्लब जब आपकी पूरी फ्लाइंग हो गई आपके सारे पेपर हो गए आपके दोनों मेडिकल्स हो चुके हैं तो फिर आप टाइप रेटिंग के लिए जाते हो एस पर मार्केट सिचुएशन उसके लिए अगेन पंद्रह से बीस लाख रुपए आप मान के चलिए क्यों क्योंकि आप सीधे जाते हैं तो आपके पैसे कम लगेंगे लेकिन अगर कोई सी पी एल चार्ज आती है तो एयरलाइंस तो आप पंद्रह से बीस लाख रुपए मान सकते हैं अब ओवरऑल अगर हम टोटल कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली एड करने की कोशिश करें ओवरऑल टोटल कॉस्ट फिफ्टी फाइव टू सिक्सटी लैक्स आपका आ जाता है अब ये कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है ये आपका जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि भाई इतने फंड्स आप अरेंज करके चलिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ पायलट तो आप सक्सेसफुल अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं बहुत सारे लोग जो है इनिशियली uh, स्टार्ट तो कर देते हैं वो फंड्स अरेंज भी कर सकते थे लेकिन उन्हें पता नहीं था टोटल है ना तो मिसगाइडेंस बहुत हो जाता है और कन्फ्यूजन uh, बहुत सारा हो जाता है तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं इसमें मैं कन्वेंशनल कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं कैडेट पायलट ट्रेनिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है उसके लिए मैं किसी अलग वीडियो में बताऊंगा आई होप आई हैव आंसर्ड यू सो मच कैप्टन पी कुमार हियर यू गो योर चेकलिस्ट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर थैंक यू फॉर वाचिंग